अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा दोस्तों फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो दोस्तों सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो साथियों आ रही है MOI की तरफ से। बहुत ही बड़ी अपडेट है साथियों। तो MOI की तरफ से दोस्तों बताया गया कि MOI ऑफर 50% कट इन सेटिंग वीज़ा फाइन। तो साथियों, MOI की तरफ से बताया गया है कि जितने लोगों पर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तरफ से बोला गया है कि जितने लोगों पर वहां पे वीजा को लेकर जो फाइन लगाया हुआ है उसको दोस्तों वहां पे 50% माफ किया जाएगा, रिडक्शन यानी घटाया जाएगा। तो लगभग वहां पे 20,000 जो ऐसे रिक्वेस्ट वहां पे आए हैं जो रिसीव किया गया है कंपनी वर्कर को जिसका वीजा पीरियड दोस्तों खत्म हो चुका था, ग्रेस पीरियड में था, तो उन सभी लोगों को 50% फाइन जो है वो माफ किया जाएगा। एग्जाम्पल तौर पर दोस्तों मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि यदि किसी शख्स का लगभग 100 कतरे रियाल यदि फाइन होगा तो उसको अब सिर्फ 50 कतरे रियाल ही फाइन देना पड़ेगा और 50 कतरे रियाल को माफ किया जाएगा। तो यदि आप लोगों का भी दोस्तों फाइन वगैरह वीजा पे लगा हुआ है, ग्रेस पीरियड में है, तो जाके जल्दी से अपना फाइन को भर दीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है। 50% आपको दोस्तों कम देना पड़ेगा, MOI की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। दोस्तों, ये जो वॉयलेशन होता है ये लॉ नंबर 21/2015 के तहत ये लॉ को देखा जाता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों का भी यदि वीजा में कोई दिक्कत था, फाइन भरना चाहते तो जाके भर सकते हैं, अच्छा ये मौका है। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही साथी वो असगाल की तरफ से आ रही है। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ असगाल की तरफ से दोस्तों बताया गया है कि पार्किंग लॉट्स एंड अकोमोडेट मोर देन 51,000 कार एंड 5,600 बसेस, टोटल एरिया 3 मिलियन स्क्वायर मीटर। दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, वहां पे दोस्तों एक तरह पब्लिक अथॉरिटी ऑफ असगाल की तरफ से बताया गया है कि वहां पे एक न्यू पार्किंग लॉट्स बनाया गया है जिनमें लगभग हजारों इसमें गाड़ियां, बसेस वगैरह, कारें वगैरह जिसमें खड़ी हो पाएगी, जो कि लगभग 3 मिलियन स्क्वायर मीटर में दोस्तों इसे बनाया गया है। तो दोस्तों इसकी फोटो भी देख सकते हैं, दोस्तों फोटो से इसे अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी बड़ी दोस्तों ये पार्किंग लॉट बनाया गया जिनमें से वहां पे हजारों गाड़ियां, हजारों बसें, हजारों कारें वहां पे खड़ी हो पाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जो काम होकर कंप्लीट हो गया, असगाल की तरफ से ये ट्वीट करके बताया गया। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही है, 6 वॉयलेशन रिपोर्ट इशू अगेंस्ट स्ट्रीट वेंडर। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से यानी MOC के तरफ से दोनों ने कोऑपरेटिव दोस्तों एक कैंपेन चलाया। कैंपेन के दौरान स्ट्रीट वेंडर यानी दोस्तों जो स्ट्रीट वेंडर यानी जो रोड के किनारे कुछ चीज़ों को बेचते हैं जो कि अलमुकनिया उम्मा अल जबर जुबर एरिया में, तो दोस्तों उनमें से 6 लोगों को वहां पे पकड़ा गया है वॉयलेशन करते पाए हुए। तो सभी को दोस्तों वो बिना लाइसेंस के थे और काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। फिलहाल सभी को वहां पे सभी पे फाइन लगाया गया है और कुछ लोगों को जुर्माना लगाकर छोड़ा गया है। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही साथियों वो वैसे आ रही है पाकिस्तान से। बहुत ही बड़ी दोस्तों बुरी खबर है। खबर ये है कि वहाँ पे एक श्रीलंकन के साथ यहाँ पे मॉब लिंचिंग की गई। खबर दोस्तों ये है कि लगभग वहाँ पे 100 लोगों को अब तक वहाँ पे गिरफ्तार किया जा चुका है, श्रीलंकन एक फैक्ट्री मैनेजर को वहाँ पे मार पीट पीट के हत्या करने के आरोप में। इसके लिए दोस्तों पूरे पाकिस्तान में वहाँ पे एक तरह का रैली निकाला गया जिनमें से सभी पाकिस्तान एक बैनर लेके चल रहे हैं कि सॉरी श्रीलंका, जैसा कि फोटो में आप देख सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी दोस्तों दुर्घटना है क्योंकि किसी दूसरे देश के शख्स को पीट पीट के मार देना ये काफी ज्यादा गलत होता है। इसके लिए वहां पे सरकार ने भी माफी मांगी है और पूरे वहां के आवाम के तरफ से माफी मांगा जा रहा है। इसके लिए लगभग वहां पे 100 पाकिस्तानियों को अब तक वहां पे गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही साथियों वो आ रही COVID-19 की ताज़ा अपडेट के बारे में। तो ताज़ा हालात हम लोग जान लेते हैं। अब तक वहाँ पे लगभग 5 मिलियन लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है यानी 50,11,447 लोगों को। 24 घंटा में 3,459 लोगों को वैक्सीन दी गई। अब तक 24 घंटा में 238 केस आए हैं, 14 उसमें ट्रैवलर हैं। एक्टिव केस 2153 है और 24 घंटा में 119 लोग रिकवर हुए। टोटल वहाँ पे 241,459 लोग रिकवर हो चुके हैं। 24 घंटे में एक भी लोग की मौत नहीं हुई। टोटल 611 लोग कोविड से मर चुके हैं। 24 घंटे में 18,279 लोगों का जांच किया गया। टोटल वहाँ पे 30 लाख से भी ज़्यादा अब तक जांच की जा चुकी है। तो दोस्तों ये पूरी ताज़ा अपडेट थी COVID-19 की। यदि कोई भी आपके मन में ख्याल हो, कोई सवाल हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का ID लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके।